हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असेंशन क्लासेस। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स ज्योग्राफी का फिफ्थ चैप्टर, जिसका नाम है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। डोमेन का मतलब होता है किसी चीज के अंदर जो बाकी जगहें होती हैं, या यूं कह लीजिए किसी चीज के दायरे में जो बाकी चीजें आती हैं, उसे कहा जाएगा डोमेन। तो मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ का मतलब हमारी अर्थ के दायरे में या हमारी अर्थ के अंदर जो बाकी जगहें आती हैं, उन्हें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो अगर हम हमारी अर्थ की बात करें तो हमारी अर्थ के करीब 30% हिस्से में ज़मीन है और 70% हिस्से में पानी है, और इसके अलावा हमारी अर्थ के चारों तरफ एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है, यानी कि हवा की एक लेयर है। और हमारी अर्थ में ज़मीन है, पानी है और हवा है, इसी वजह से हमारी अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है, लाइफ इवॉल्व कर पाती है, और इतना इवॉल्व कर पाई कि एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक हमारी अर्थ में लाइफ पहुँच पाई। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इस पोर्शन के बारे में जहाँ ज़मीन है। ज़मीन है यानी कि लिथोस्फीयर, और इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे सात कॉन्टिनेंट्स के बारे में। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे हमारी अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पानी है, पानी यानी कि हाइड्रोस्फीयर। इसमें हम डिस्कस करेंगे बेसिकली चार मेन ओशंस जो हैं हमारे, उनके बारे में। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हवा के बारे में, या एटमॉस्फेयर की जो लेयर है हमारी अर्थ के चारों तरफ, उसके बारे में। और लास्ट में हम देखेंगे बायोस्फीयर के बारे में। बायोस्फीयर यानी कि ज़मीन, हवा और पानी, ये तीनों कंपोनेंट्स जब एक साथ आते हैं और वो नेसेसरी कंडीशंस बनती हैं कि लाइफ स्टार्ट हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये चैप्टर, मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट व्हिच हैज लाइफ। हमारी अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। ये बात जो कही गई है, ये बात कही गई है हमारे सोलर सिस्टम के रेफरेंस में। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनमें अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। हमारे सोलर सिस्टम के बाकी जितने प्लैनेट्स हैं, भले ही चाहे वो मर्क्यूरी हो, मार्स हो, जुपिटर हो, सैटर्न हो, ऐसे जितने भी प्लैनेट्स हैं, उनमें लाइफ नहीं है जहाँ तक अभी तक हमें मालूम चला है। पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ इकलौता प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। Plants, animals and human beings can live here because the life-sustaining elements of land, water and air are present on the earth. हमारे अर्थ में तमाम तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं। हमारे अर्थ में तमाम तरह के प्लांट्स हैं, तमाम तरह के पेड़ पौधे हैं, तमाम तरह के एनिमल्स हैं, और हमारे अर्थ में ह्यूमन बींग्स हैं, यानी कि लाइफ सिर्फ एग्जिस्ट नहीं करती, लाइफ इतना इवॉल्व हो चुकी है कि एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक वो पहुंच चुकी है। और ऐसा हो क्यों पाया है? क्योंकि हमारे अर्थ में वो सारे तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए चाहिए। जैसे कि हमारे अर्थ में लैंड है, हमारे अर्थ में वाटर है, और वाटर तीनों फॉर्म्स में है। खास बात ध्यान रखिएगा, हमारे अर्थ में वाटर बर्फ के भी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में भी है, और वेपर फॉर्म में भी है। और इसके अलावा हमारी अर्थ में एयर है, और एयर में भी तमाम तरह की गैसेस हैं जो लाइफ के लिए चाहिए। तो इन सब तमाम चीज़ों की वजह से हमारी अर्थ में लाइफ पॉसिबल हो पाती है। हाँ, लेकिन एक बहुत खास चीज़ है, आप ये मत समझिएगा कि हमारी अर्थ पूरे यूनिवर्स में इकलौता प्लैनेट है जिसमें लाइफ है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि अब अगर हम यूनिवर्स के लेवल पे बात करें तो हमारे यूनिवर्स में करोड़ों अरबों गैलेक्सीज हैं, और इन करोड़ों अरबों गैलेक्सीज में करोड़ों अरबों ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे लाइफ होगी, और लाइफ के अलग अलग फॉर्म्स होंगे, और इन करोड़ों अरबों प्लैनेट्स में से बहुत सारे लाखों करोड़ों प्लैनेट्स ऐसे होंगे जहाँ पे लाइफ इवॉल्व करी और एक इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ तक पहुँच चुकी होगी। लेकिन अब जब ये बात उठती है कि हमारे यूनिवर्स में करोड़ों ऐसे प्लैनेट्स होंगे जहाँ पे लाइफ होगी और इंटेलिजेंट फॉर्म ऑफ लाइफ होगी, तो आपके दिमाग में अगर ये बात आए कि वहाँ के लोग हमारी दुनिया में क्यों नज़र क्यों नहीं आते हैं, या फिर वहाँ के लोग हमारी अर्थ में क्यों नहीं आते हैं, तो चलिए इस बात को एनालाइज करते हैं। अगर आप एंशिएंट सिविलाइजेशंस की बात करें तो कई सारी एंशिएंट सिविलाइजेशंस रही हैं जिन्होंने बार बार जिक्र किया है ऐसे लोगों का जो लोग दूसरे गैलेक्सीज से आए, या दूसरे प्लैनेट से आए, या चांद से आए। अब आपको कुछ ऐसे एंशिएंट सिविलाइजेशंस का मैं एग्जांपल देता हूँ।
जैसे कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका में रही हैं एस्टेक सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन, इंका सिविलाइजेशन, ये तमाम लोग जिक्र करते रहे हैं बार बार ऐसे लोगों का जो दूसरे प्लैनेट्स या दूसरी गैलेक्सीज से आए हैं। इन जगहों में तमाम ऐसी जगहें मिली हैं, तमाम ऐसे एंशिएंट स्ट्रक्चर्स मिले हैं जैसे कि माचू पीचू, टीओटी हुआ कान, जिसको सिटी ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है, यानी कि देवताओं का शहर। यहाँ पे भी पिरामिड्स मिले हैं, बिल्कुल वैसे ही पिरामिड्स जैसे कि इजिप्ट में मिले हैं। हजारों साल पहले जब कोई साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब इंसानों के बारे में कहा जाता है कि इंसान हंटर गैदरर्स थे, उस टाइम पे इतने बड़े बड़े पत्थर काटे गए, इतने बड़े बड़े एंशिएंट स्ट्रक्चर्स बनाए गए, कैसे बनाए गए, ये लोगों को आज तक नहीं समझ में आता है। इसके अलावा अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन या जूलू सिविलाइजेशन की बात करें, ये भी बार बार ऐसे लोगों का जिक्र करते हैं जो कि किसी और दुनिया से आए हैं। अगर इजिप्शियन फारोस की आप बात करें तो ये लोग खुद को मार्स का बताया करते थे। और एशिया का जो मिडिल ईस्ट पोर्शन है, यानी कि जहाँ पे आज के टाइम में इराक है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, ये सब तमाम देश हैं, यहाँ एक टाइम पे हुआ करती थी सुमेरियन सिविलाइजेशन। और सुमेरियन सिविलाइजेशन की जो माइथोलॉजी है वो ये है कि जो ओरियन कॉन्सिलेशन है, ओरियन कॉन्सिलेशन का एक प्लैनेट है निबिरू, तो निबिरू से आए थे अनुनाकी। अनुनाकी यानी कि स्काई गॉड्स, आसमान से जो देवता आए उन्हें कहा गया अनुनाकी। तो सुमेरियंस के मुताबिक अनुनाकी निबिरू प्लैनेट से हमारी अर्थ पे आए थे गोल्ड की खातिर। गोल्ड यानी कि सोना उनको चाहिए था, और इस सोने का वो करते क्या, उन्हें अपने प्लैनेट का एटमॉस्फेयर सही करना था, तो उसके लिए उन्हें सोना चाहिए था। और उनके प्लैनेट में गोल्ड खत्म हो गया था, इस वजह से वो अर्थ में आए थे गोल्ड की तलाश में। और अर्थ में जब वो आए तो अर्थ की खदानों से उन्हें गोल्ड चाहिए था, तो उन्हें काम करने वाले लोग चाहिए थे। तो अब काम करने वाले लोग बनाने के लिए उन्होंने इंसानों की एक स्पीशीज़ ली, इंसानों की एक स्पीशीज़ का डीएनए चेंज किया और थोड़े से इंटेलिजेंट इंसान बनाए, और इन इंसानों को उन्होंने लगाया सोने की खदानों में, जिससे कि सोना वो निकाल सकें। और उसके बाद वो वापस चले गए अपने प्लैनेट में, और ये जो थोड़े से इंटेलिजेंट इंसान हुए ये बने होमो सेपियंस। ये माइथोलॉजी है सुमेरियन सिविलाइजेशन की। और अगर बात करी जाए इंडियन सिविलाइजेशन और चाइनीज सिविलाइजेशन की, तो यहाँ पे भी ऐसे लोगों का बार बार जिक्र हुआ है जो शायद किसी और दुनिया के थे। तो ये तो थोड़े बहुत एग्जांपल्स थे एंशिएंट सिविलाइजेशंस के। अब अगर आप मॉडर्न टाइम्स की बात करें, तो मॉडर्न टाइम्स में अगर किसी और प्लैनेट के लोग कॉन्टैक्ट करते हैं हमारी अर्थ से, तो हमारी अर्थ की सरकारें इस बात को आम लोगों तक नहीं ले जाएंगी। तो अगर ऐसा हुआ भी तो भी आम लोगों को नहीं पता चलेगा। और अगर आप ये बात पूछें कि ऐसा क्यों, सरकारें आम लोगों को ये बात क्यों नहीं बताएंगी, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर दुनिया भर की सरकारें अगर ऐसा हुआ तो दुनिया भर की सरकारें अगर आम लोगों को बताने लगी कि हाँ दूसरे प्लैनेट से लोग आए हैं, तो आम लोग सवाल उठाने लगेंगे कि अच्छा उस प्लैनेट में क्या धर्म है, उस प्लैनेट के लोग भगवान के बारे में क्या सोचते हैं, उस प्लैनेट की पॉलिटिक्स कैसी है, उस प्लैनेट का फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है। और ये सब जो तमाम सवाल हैं वो हमारी दुनिया के सिस्टम्स को हिला देंगे, और जो दुनिया भर की सरकारें हैं वो कभी नहीं चाहेंगी कि उनके सिस्टम्स हिलें, तो इस वजह से वो ये बातें कभी आम लोगों तक नहीं बताएंगी। वैसे एक जाते आते एक सोचने वाली बात आपको बता के जाता हूँ कि लास्ट ईयर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्पेस फोर्स बनाई है। स्पेस फोर्स यानी कि अंतरिक्ष में जो फोर्स काम करेगी, और अंतरिक्ष में स्पेस में वेपन्स लगाए गए हैं। सोचने वाली बात यह है कि स्पेस में किसके लिए वेपन्स लगाए गए हैं, वहां स्पेस से कौन आ रहा है जिसके लिए वेपन्स चाहिए। खैर फिलहाल तो हम लौटते हैं वापस से अपने चैप्टर की तरफ। द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन इन विच थ्री मेन कॉम्पोनेंट्स ऑफ द एनवायरमेंट मीट, ओवरलैप एंड इंटरैक्ट। हमारी अर्थ का जो सर्फेस है ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स जोन है, जिसमें तीन मेजर कॉम्पोनेंट्स, लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों के तीनों मेजर कॉम्पोनेंट्स मिलते हैं, एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड द लिथोस्फेयर। लिथोस मीन्स स्टोन। हमारी अर्थ का जो सॉलिड पोर्शन है जिसमें हम लोग जीते हैं, हम लोग चलते हैं, वो सॉलिड पोर्शन, उसे कहा जाता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर ये जो वर्ल्ड बना है लिथोस से। लिथोस का मतलब होता है पत्थर, तो लिथोस्फेयर यानी कि जहाँ पत्थर मिलते हैं, और पत्थर कहाँ मिलते हैं, जमीन में।
जहां हम चलते हैं। तो इस तरीके से आप याद रखिएगा, लिथोस्फीयर यानी कि जमीन को कहा जाएगा लिथोस्फीयर। द गैशियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज द एटमॉस्फेयर वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस आर फाउंड। हमारी अर्थ के चारों तरफ जो गैशियस लेयर है इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर, और इस एटमॉस्फेयर में तमाम तरह की गैसेस मिलती हैं जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसके अलावा और भी तमाम तरह की गैसेस मिलती हैं एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर मींस वेपर। एटमॉस्फेयर ये जो वर्ल्ड बना है ये बना है एटमॉस से, और एटमॉस का मतलब होता है वेपर। वेपर यानी कि भाप, जो चीज गैशियस फॉर्म में हो। Water covers a very big portion in the earth in the form of ice, water and water vapors. हमारी अर्थ में वाटर एक बहुत बड़ा पोर्शन ऑक्यूपाई करता है और ये तीनों फॉर्म्स में पाया जाता है। सबसे पहले बर्फ के फॉर्म में, इसके अलावा लिक्विड वाटर के फॉर्म में और वाटर वेपर्स के फॉर्म में यानी कि भाप के फॉर्म में। इन तीनों फॉर्म्स में वाटर पाया जाता है हमारी अर्थ में, और दिस इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। और जहाँ जहाँ भी पानी के फॉर्म्स पाए जाते हैं इन तमाम चीज़ों को मिला के कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। और हाइड्रोस्फीयर ये जो वर्ड आया है हाइड्रो से आया है, ह्यूडोर मींस वाटर। तो अब चलिए अर्थ के तीनों कंपोनेंट्स को अलग अलग स्टडी करते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। तो स्टार्ट करते हैं लिथोस्फीयर से यानी कि वो हिस्सा जहाँ जमीन है। The solid portion of the earth is called the lithosphere. हमारी अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन जो है इसे कहा जाएगा लिथोस्फेयर। इट कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइजेज का मतलब कोई चीज किन चीजों से बनी है। तो लिथोस्फेयर दो चीजों से बना है। इट कंप्राइजेज ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। अर्थ्स क्रस्ट, क्रस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज के जो बाहर वाली आउटर कवरिंग होती है उसे कहते हैं क्रस्ट। तो अर्थ्स क्रस्ट यानी कि अर्थ के जो सबसे बाहर वाली लेयर है उसे कहा जाएगा अर्थ्स क्रस्ट। तो सबसे पहली चीज क्या है, अर्थ के क्रस्ट में पाए जाने वाले जो पत्थर हैं, जो चट्टाने हैं, ये पहली चीज हुई। और दूसरी चीज क्या है, अ थिन लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन ऑर्गेनिजम्स। और लिथोस्फीयर में क्या पाया जाता है, अ थिन लेयर ऑफ सॉइल। आप देखते होंगे कि जमीन में एक पतली सी लेयर है मिट्टी की, तो ये पत्थर और ये मिट्टी ये दोनों चीजें मिला के बनाते हैं लिथोस्फीयर। और ये जो मिट्टी है इसमें वो तमाम न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जो किसी भी इंसान को या किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए चाहिए। अब जैसे आपकी बॉडी है, आपकी बॉडी कई सारे एलिमेंट्स से मिलकर बनी है जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे कई सारे एलिमेंट्स मिलते हैं तब जाके आपकी बॉडी बन पाती है, तब जाके आपके अंदर लाइफ है, आप जिंदा रह पाते हो। तो ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये तमाम एलिमेंट्स मिलते हैं आपको मिट्टी से। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं ये मिट्टी में बनते हैं, ऐसा नहीं है। ये सब तमाम एलिमेंट्स मिट्टी में पाए जाते हैं लेकिन ये एलिमेंट्स बनते मिट्टी में नहीं है। ये तमाम एलिमेंट्स जो आपके अपने बॉडी में अभी के टाइम पे, जो कार्बन, नाइट्रोजन, ये सब तमाम एलिमेंट्स आपके बॉडी में हैं, ये बने थे आज से करोड़ों साल पहले किसी सितारे के अंदर। ये तमाम एलिमेंट्स तब बनते हैं जब कोई सितारा अपनी उम्र कंप्लीट कर लेता है और अपने लाइफ के लास्ट फेज में होता है, तब ये एलिमेंट्स सितारों के अंदर बनते हैं। और जब वो सितारा टूटता है तो ये एलिमेंट्स फिर उस सितारे के आसपास वाले प्लैनेट्स में पहुंचते हैं, और जब प्लैनेट्स में ये एलिमेंट्स पहुंचते हैं तब ये एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं और वहां से डीएनए बनता है, और तब ये एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो अगर इस नज़र से देखा जाए तो आप अपने आप में एक यूनिवर्स हैं। ये यूनिवर्स खुद को महसूस करने के लिए उसने आपकी शक्ल ली है। इस यूनिवर्स में सितारों में जो चीज़ें बनी उन चीज़ों से आप बने हैं। तो आप एक तरीके से देखा जाए आप सितारों से बने हैं, आप स्टार डस्ट से बने हैं। और एक और खास चीज़, जो भगवान का जो सिग्नेचर है जो आपको तमाम यूनिवर्स में दिखाई देगा, वो तमाम सिग्नेचर आपको अपनी बॉडी में भी नजर आएंगे।
There are two main divisions of the Earth's surface. The large land masses are known as continents and the huge water bodies are called ocean basins. हमारी Earth का जो surface है, हमारी Earth के surface को basically आप दो हिस्सों में divide कर सकते हो. जो पहला हिस्सा है, वो हिस्सा है land masses का. यानी कि बहुत बड़े-बड़े हिस्से हैं जहाँ पे ज़मीन है और उन्हें कहा जाता है continents. और इसके अलावा आप देख सकते हो कि बहुत बड़ी-बड़ी water bodies हैं, यानी कि ऐसी जगहें जहाँ पानी भरा हुआ है और उन्हें कहा जाता है oceans, यानी कि समंदर. The level of sea water remains the same everywhere. अगर आप हमारी अर्थ को नोटिस करें तो आप ये पाएंगे कि हमारी अर्थ में जहाँ जहाँ भी पानी है वो सब जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है. सारे ओशन से एक दूसरे से कनेक्टेड है. और पानी की एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है कि पानी को आप किसी भी जगह में डाल दीजिए, पानी एक लेवल पे रहता है, एक सरफेस में रहता है. आप कभी ये नहीं देखेंगे कि पानी कहीं ऊपर है फिर अचानक नीचे हो गया. ऐसा कभी नहीं होता. आप कहीं पे भी किसी भी जगह में पानी को रखिए, पानी हमेशा एक लेवल पे होता है. तो हमारी अर्थ में भी ऐसा ही है. हमारी जो पूरी अर्थ है उसमें वाटर बॉडीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. तो जो सी लेवल है वो हर जगह का कॉन्स्टेंट है. The level of sea water remains the same everywhere. हर जगह का जो level of sea water है वो हर जगह same है. Elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as zero. Elevation का मतलब होता है height. किसी भी जगह की जो height है उसे कहा जाएगा elevation. तो किसी भी जगह का elevation नापा कहाँ से जाता है? वो नापा जाता है sea level से. क्योंकि sea level को zero माना जाता है. The highest mountain peak, Mount Everest, is 8,848 meters above the sea level. अब हमारी दुनिया का जो सबसे ऊंचा जो पहाड़ है, वो है Mount Everest. और ये Mount Everest कितना ऊंचा है? करीब करीब 8,500 मीटर अबव द सी लेवल. यानी कि हम जो हाइट नाप रहे हैं, ये हाइट हम नापते हैं सी लेवल से, क्योंकि हम सी लेवल को जीरो लेवल मानते हैं. द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज रिकॉर्डेड एट मैरियाना ट्रेंच इन द पैसिफिक ओशन. तो अभी हमने बात करी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ की, यानी कि दुनिया के हाईएस्ट पॉइंट की. अब हम बात कर रहे हैं ग्रेटेस्ट डेप्थ की, यानी कि दुनिया की जो सबसे गहरी खाई है या जो दुनिया का लोवेस्ट पॉइंट है वो है मैरियाना ट्रेंच. ट्रेंच का मतलब यानी कि खाई. तो मैरियाना ट्रेंच जो कि पैसिफिक ओशन में है, इसकी गहराई है करीब करीब 11,000 मीटर. तो आप खुद यहाँ से देख पा रहे होंगे कि दुनिया का हाईएस्ट पॉइंट से ज़्यादा गहराई है हमारी अर्थ की, जो कि है मैरियाना ट्रेंच. डेप्थ ऑफ द सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अर्थ. हमारे अर्थ की जो हाईएस्ट डेप्थ है वो ज़्यादा है हाईएस्ट पॉइंट के मुकाबले. अब माउंट एवरेस्ट का जिक्र हुआ है तो माउंट एवरेस्ट से जुड़ी कुछ खास बातें हम देख लेते हैं. एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्गे शेरपा वर द फर्स्ट मेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट ऑन 29 मई 1953. माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पे चढ़ना हमेशा बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है. बहुत लोगों ने कोशिश करी थी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए. फाइनली जो सबसे पहले लोग माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने में कामयाब हुए वो थे एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा, जिन्होंने माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई अपनी पूरी करी 29 मई 1953 में. जंको टैबे जापान वॉज द फर्स्ट वुमन टू रीच द समिट ऑन 16 मई 1975. समिट ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी भी जगह का या किसी भी चीज़ का हाईएस्ट पॉइंट. समिट तो समिट यानी कि माउंट एवरेस्ट का हाईएस्ट पॉइंट, क्योंकि अभी यहाँ समिट माउंट एवरेस्ट के लिहाज में कहा गया है. तो जंको टैबे ये जापान की थी और ये पहली औरत थी जो माउंट एवरेस्ट को, जिन्होंने पूरी चढ़ाई चढ़ी थी 16 मई 1975 में. द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक वॉज बछेंद्री पाल ऑन 23 मई 1984. और जो पहली इंडियन वुमन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कंप्लीट करी थी वो थी बछेंद्री पाल, और उन्होंने ये चढ़ाई कंप्लीट करी थी मई 1984 में. एक चीज़ नोटिस करिएगा, सब लोगों ने चढ़ाई मई के महीने में कंप्लीट करी. ऐसा क्यों? क्योंकि मई के महीने में गर्मी होती है और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना
अगर पूरे साल भर के लिहाज में देखा जाए तो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी होता है। अगर आप कंपेयर करो कि दिसंबर या जनवरी में आप सोचो कि चढ़ाई करी जाए माउंट एवरेस्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा जानलेवा हो जाएगा। तो अब अगला मुद्दा है कॉन्टिनेंट्स। कॉन्टिनेंट्स को हिंदी में कहते हैं महाद्वीप। द्वीप का मतलब होता है आइलैंड। आइलैंड यानी कि एक ऐसी ज़मीन जिसके चारों तरफ पानी है, तो महाद्वीप यानी कि बहुत बड़े आइलैंड। तो और अगर आप देखें तमाम कॉन्टिनेंट्स को अगर आप देखें तो बेसिकली वो बड़े बड़े आइलैंड्स ही हैं। हर कॉन्टिनेंट के चारों तरफ पानी भरा हुआ है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कॉन्टिनेंट्स एक तरीके से बड़े बड़े आइलैंड्स हैं। तो देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स, दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। हमारी पूरी अर्थ में 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं और ये कॉन्टिनेंट्स एक दूसरे से सेपरेटेड हैं लार्ज वाटर बॉडीज से, यानी कि ये तमाम कॉन्टिनेंट्स पानी से घिरे हुए हैं। दीज कॉन्टिनेंट्स आर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारी अर्थ के। द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अगर आप देख पा रहे हो तो लैंड मास जहां जहां भी जमीन है, ये ज्यादातर हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। तो चलिए मैं आपको वर्ल्ड मैप का आइडिया बताता हूँ तमाम कॉन्टिनेंट्स और ओशंस के रेफरेंस में, कि आपको बचा हुआ चैप्टर और अच्छे से समझ में आए। तो अब ये जैसे हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ का करीब 1/3 हिस्सा जो है वो है पैसिफिक ओशन, और जो बाकी 2/3 हिस्सा है यहाँ है ज़मीन। तो अब पैसिफिक ओशन हम दिखा के क्या करेंगे सेंटर में, तो हम क्या करेंगे, हम इस गोल अर्थ को फ्लैट करेंगे ज़मीन की साइड से। तो अब ये जो अर्थ है, इस अर्थ को हमने फ्लैट किया है। तो विजुअलाइज करने की कोशिश करिए, इधर भी पैसिफिक ओशन है, वहाँ पे भी पैसिफिक ओशन है, क्योंकि ये अर्थ यूं गोल है। हमने इस गोल अर्थ को फ्लैट किया है, इसी वजह से यहाँ और वहाँ दोनों तरफ पैसिफिक ओशन है। अब ये वर्ल्ड मैप है, हमने अर्थ को फ्लैट करके दिखाने की कोशिश करी है। सबसे पहले मेन लाइंस देखते हैं। ये रही इक्वेटर लाइन। इक्वेटर लाइन यानी कि वो लाइन जो अर्थ को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर्स में डिवाइड करती है। और इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन कौन सी है, ये लाइन जो कि ब्रिटेन से होके गई है। हम दुनिया को देखते हैं ब्रिटेन की नज़र से देखते हैं, क्योंकि ब्रिटेन ने हमें दुनिया को पहली बार इस नज़र से दिखाया। तो ये रही ब्रिटेन की लाइन। अब इस लाइन के इस तरफ जितनी भी दुनिया है, ये रही ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और इस लाइन के इधर की जितनी दुनिया है ये है वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो अब मेन लाइंस हमने देख ली, तो अब कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड से हम शुरू करते हैं, हमें मिलेगा पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन के बाद हमें मिलेगा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। यहाँ पे खास चीज़, आप अमेरिका जो न्यूज़पेपर्स में या न्यूज़ में आप सुनते रहते होंगे अमेरिका, वो अमेरिका एक देश है, और ये जो अमेरिका है नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट्स हैं। उस देश का इन कॉन्टिनेंट से कोई ऐसा खास वास्ता नहीं है। वो जो देश आप अमेरिका सुनते हैं वो बेसिकली नॉर्थ अमेरिका के इतने से हिस्से का एक देश है। हम कॉन्टिनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। और ये जो दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं, इन दोनों कॉन्टिनेंट्स, ये दोनों जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं जमीन का एक हिस्सा है, एक पतली सी स्ट्रिप है जमीन की जिसके दोनों तरफ पानी है, और ये पतली सी स्ट्रिप इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती है। तो ऐसी स्ट्रिप को कहते हैं इस्थमस, और नॉर्थ और साउथ अमेरिका को जोड़ने वाली जो स्ट्रिप है इसे कहते हैं इस्थमस ऑफ पैनामा। तो ध्यान रखिएगा ये टर्म इस्थमस, यानी कि ऐसी जमीन जो दो बड़े बड़े लैंड मासेस को जोड़ती है और इसके दोनों तरफ पानी है। अब ये तो रहे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका। अब अगला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका। अफ्रीका आप देख रहे हैं ये पानी से घिरा हुआ है अच्छा खासा। इसी तरीके से कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया, ये भी पानी से पूरी तरीके से घिरा। अब अगला कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका हमारी अर्थ के साउथ पोल में है। तो जब हम अपने वर्ल्ड मैप को एक फ्लैट सरफेस पे देखते हैं तो अंटार्कटिका बिल्कुल साउथ वाले पोर्शन में इस तरीके से दिखाई देता है। अब जो लास्ट कॉन्टिनेंट जो बचे हैं, वो इतना बड़ा लैंड मास बचा है, और इतने बड़े लैंड मास को फिर से दो कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किया गया है, यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया जहाँ मिलते हैं,
इस एरिया में है यूरल माउंटेन्स। तो यूरल माउंटेन्स बेसिकली एशिया और यूरोप को डिवाइड करते हैं। एक तरफ यूरोप और एशिया को ये वाटर बॉडीज डिवाइड करती हैं और दूसरी तरफ यूरल माउंटेन्स जो कि इस एरिया में है। और इसके अलावा अब ये कॉन्टिनेंट्स हमने देख लिए हैं तो अब ओशंस की बात करते हैं। सबसे पहले तो पैसिफिक ओशन सबसे लेफ्ट में और सबसे राइट में, ये तो याद हो गया होगा क्योंकि अर्थ यूं इस तरीके से मिलती है। इसके बाद अब बीच में आया अटलांटिक ओशन जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका एक तरफ और यूरोप और अफ्रीका एक तरफ, इनके बीच में ये जो ओशन है, ये एस का शेप जो ओशन बना रहा है, इसे कहते हैं अटलांटिक ओशन। अगला ओशन जो है वो है इंडियन ओशन, जो इंडिया के जस्ट नीचे जो ओशन है ये इसे कहा जाएगा इंडियन ओशन। अगला ओशन जो है वो है आर्कटिक ओशन, जो आर्कटिक सर्किल है, ये वाली जो लाइन है 66 डिग्री के आसपास की आर्कटिक सर्किल, इसके इधर जितना भी वाटर है इसे कहा जाता है आर्कटिक ओशन। तो ये बेसिकली चार ओशंस हो गए, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। अब ये चार ओशंस में से कई बार इस तरीके से भी, अब ट्रेडिशन है, कन्वेंशन है, किसी भी हिसाब से किया जा सकता है, तो कई किताबों में आपको इस तरीके से भी मिलेगा कि पैसिफिक ओशन को वो दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। अटलांटिक ओशन को दो पार्ट में कई बार किताबों में डिवाइड कर दिया जाता है कि नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन। तो इस वजह से फिर, और इसके अलावा अंटार्कटिका के आसपास के वाटर को अंटार्कटिक ओशन कह दिया जाता है। तो कई किताबों में आपको लिखा होगा सेवन ओशंस, वो इस तरीके से सात ओशन बन जाते हैं, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, इंडियन ओशन, आर्कटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, जो कहते हैं सात समंदर, वो पहले का फॉर्म इस तरह का था, अब के टाइम में चार ओशंस कहे गए हैं। अब इसके अलावा एक और खास चीज ध्यान देने वाली, जो आर्कटिक ओशन है और जो पैसिफिक ओशन है, ये दोनों मिलते हैं यहाँ पे इस एरिया में, और यहाँ पे क्या बनता है स्ट्रेट। जब किसी वाटर बॉडी, कोई पतली सी वाटर बॉडी दो बड़े बड़े ओशंस को जोड़ती है और उस वाटर बॉडी के दोनों तरफ जमीन होती है, उसे कहते हैं स्ट्रेट। तो आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन जहाँ मिलते हैं उसे कहा जाएगा स्ट्रेट। जैसे आप ये वाला एरिया देख रहे हैं, ये जो जमीन का एरिया है ये बेसिकली एशिया का हिस्सा है, ये उधर से अर्थ जब यूं गोल होगी तो उधर का एरिया ये आएगा। तो ये आर्कटिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन है, दोनों तरफ जमीन है और बीच में ये जरा सी एरिया है जो वाटर को लिंक कर रहा है, तो इसे कहेंगे स्ट्रेट। और इस जगह का नाम है बियरिंग स्ट्रेट, यानी कि वो स्ट्रेट जो कि आर्कटिक और पैसिफिक को जोड़ता है। अब इन कॉन्टिनेंट्स को अलग अलग डिस्कस करते हैं, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे बड़े कॉन्टिनेंट से और फिर अगला कॉन्टिनेंट उससे थोड़ा छोटा होगा, उसका अगला कॉन्टिनेंट फिर छोटा होगा, यानी कि हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में कॉन्टिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला कॉन्टिनेंट है वो है एशिया। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ, हमारे अर्थ का जितना भी लैंड एरिया है उसका 1/3 लैंड एरिया एशिया में आता है। आप खुद समझिए, एशिया इतना बड़ा कॉन्टिनेंट है। इट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू इट, एशिया ईस्टर्न हेमिस्फेयर में लाए करता है। आप देख पा रहे होंगे कि जो लंदन की लाइन है उसके पूरी तरीके से ईस्ट में पड़ता है एशिया, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से पास होके जाता है, और हमारा देश एशिया में ही है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश से पास होता हुआ जाता है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द यूरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। अब एशिया और यूरोप की बाउंड्री जो है वो है यूरल माउंटेन्स। यूरल माउंटेन्स के एक तरफ में एशिया है और दूसरे तरफ में यूरोप है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड यूरेशिया, यानी कि यूरोप प्लस एशिया। अब यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड लैंड मास है, यूरोप और एशिया एक दूसरे से ऐसे ओशन से डिवाइडेड नहीं है, ये कंबाइंड है, ये पहाड़ों से डिवाइडेड है।
तो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के कंबाइंड लैंड मास को कहा जाता है यूरेशिया। और ये वर्ल्ड कैसे बना है? यूरोप प्लस एशिया। अब एशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। एशिया के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री लैटिट्यूड रन्स थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। जो इक्वेटर लाइन या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन जो है वो अफ्रीका के बीचों बीच से होती हुई गुजरती है। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और आप देख पा रहे होंगे कि अफ्रीका का जो ज्यादातर हिस्सा है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ऑल द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। जो अर्थ की जो तीन सबसे खास लैटिट्यूड लाइंस हैं, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों की तीनों लाइंस अफ्रीका से होती हुई गुजरती हैं। और ये इकलौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों लाइंस गुजरती हुई गुजरती हैं। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। जो दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है सहारा डेजर्ट, वो अफ्रीका में है। द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशंस एंड सीज। अब अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, चाहे वो ओशन हो या सीज हो। वो एक तरफ इंडियन ओशन से घिरा है, दूसरी तरफ अटलांटिक ओशन से। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है नाइल रिवर, वो अफ्रीका से फ्लो करती है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। अब सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया, एशिया के बाद अफ्रीका, अफ्रीका के बाद जो तीसरे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका तीसरे नंबर पे आता है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। इट इज लिंक्ड टू साउथ अमेरिका बाय अ वेरी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कॉल्ड द इस्थमस ऑफ पनामा। ये मैं आपको बता चुका हूँ नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका से कैसे जुड़ा है। एक बहुत नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड यानी कि एक बहुत पतली सी लेयर है जमीन की, जो पतली सी लेयर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ती है। और इस पतली सी जमीन को कहते हैं इस्थमस। और इस पर्टिकुलर इस्थमस का नाम क्या है? इस्थमस ऑफ पनामा। The continent lies completely in the northern and western hemisphere. अगर आप नॉर्थ अमेरिका को देखें तो आप महसूस कर लेंगे कि पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। Three oceans surround this continent. Atlantic Ocean in the east, Pacific Ocean in the west and Arctic Ocean in the north. तीन ओशन इस कॉन्टिनेंट को सराउंड करते हैं। ईस्ट के डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन है, वेस्ट के डायरेक्शन में पैसिफिक ओशन है और नॉर्थ के डायरेक्शन में आर्कटिक ओशन है। अब नॉर्थ अमेरिका के बाद जो चौथे नंबर पे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है वो है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। साउथ अमेरिका का ज्यादातर हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर में आता है। इट हैज अटलांटिक ओशन ऑन द ईस्ट एंड पैसिफिक ओशन ऑन द वेस्ट। साउथ अमेरिका के ईस्ट डायरेक्शन में अटलांटिक ओशन है और वेस्ट डायरेक्शन में पैसिफिक ओशन है। द एंडीज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट माउंटेन रेंज रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। दुनिया की जो सबसे लंबी माउंटेन रेंज है वो है एंडीज माउंटेन रेंज। और एंडीज माउंटेन रेंज कहाँ पे है? साउथ अमेरिका में। और ये साउथ अमेरिका में नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है एंडीज माउंटेन रेंज। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर अमेजन। और साउथ अमेरिका में दुनिया की सबसे बड़ी नदी है जो कि है अमेजन नदी। हमने अभी क्या पढ़ा था? दुनिया की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर, वो थी नाइल। ये है लार्जेस्ट रिवर, जो सबसे बड़ी नदी है, अमेजन। अब साउथ अमेरिका के बाद जो कॉन्टिनेंट है वो है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउदर्न हेमिस्फीयर इज अ लार्ज कॉन्टिनेंट। इट इज लार्जर दैन द कंबाइंड एरिया ऑफ यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया। अब हमारे अर्थ के जो साउदर्न टिप पे जो कॉन्टिनेंट है वो है अंटार्कटिका। देखने में ये बहुत छोटा सा कॉन्टिनेंट लगता है लेकिन ये एक्चुअली काफी बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये अगर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया को मिला लिया जाए तो ये उन दोनों से ज्यादा बड़ा है।
द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट. जो हमारी अर्थ का साउथ पोल है वो इस कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सेंटर में है. इट इज परमानेंटली कवर्ड इन थिक शीट्स ऑफ आइस. अंटार्कटिका हमारे अर्थ के साउथ पोल में है, तो साउथ पोल में इतनी ज्यादा सर्दी होती है कि वहां पे हमेशा बहुत ज्यादा बर्फ रहती है. देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स इन अंटार्कटिका. अंटार्कटिका की जब डिस्कवरी हुई तो डिस्कवरी होने के कुछ सालों के बाद ही एक ट्रीटी साइन करी गई. अमेरिका ने बेसिकली ये ट्रीटी साइन करवाई दुनिया के अलग अलग देशों से, और ये ट्रीटी साइन हुई कि अंटार्कटिका में किसी देश का कोई हिस्सेदारी नहीं होगी. अंटार्कटिका में इंसान नहीं रहेंगे या ह्यूमन सोसाइटीज नहीं होंगी, इंसानों की बस्तियां नहीं होंगी. अंटार्कटिका एक रीजन है इस दुनिया का जो कि फ्री रखा जाएगा बाकी सारे देशों से, और अंटार्कटिका का यूज़ होगा सिर्फ थोड़े बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए. तो ये ट्रीटी करी गई, इस वजह से अंटार्कटिका में कोई जाके रहने नहीं लगा, और अंटार्कटिका नो फ्लाई जोन है, वहाँ से कोई प्लेन भी नहीं उड़ सकता है, और वहाँ आप बिना किसी परमिशन के कोई जा भी नहीं सकता है अंटार्कटिका में. तो इस वजह से वहाँ कोई इंसान नहीं रहते ऐसे, बस थोड़े बहुत गिने चुने, इतने बड़े कॉन्टिनेंट के कोने कोने में थोड़े बहुत रिसर्च स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में. Many countries have research stations in Antarctica. India also has research station there named Maitri and Dakshin Gangotri. कई सारे countries ने अपने research stations बनाए हैं Antarctica में, और India ने भी जो अपने research stations बनाए हैं उनका नाम है Maitri और दक्षिण गंगोत्री. ये दोनों research station India के हैं Antarctica में. अब अगला continent है यूरोप. यूरोप lies to the west of Asia. The Arctic Circle passes through it. It is bound by water bodies on three sides. अब जो अंटार्कटिका से भी छोटा कॉन्टिनेंट है वो है यूरोप, और यूरोप कहाँ है? वेस्ट ऑफ एशिया में. इस एशिया के वेस्ट डायरेक्शन में है यूरोप, और आर्कटिक सर्किल यूरोप से पास होता हुआ जाता है. ये हम देख ही चुके हैं अभी मैप में. और यूरोप के तीन डायरेक्शंस में पानी है. नॉर्थ डायरेक्शन में आप देखिए तो आर्कटिक ओशन पड़ेगा, अगर आप वेस्ट डायरेक्शन में देखिए तो अटलांटिक ओशन पड़ेगा, और अगर आप साउथ डायरेक्शन में देखिए तो कई सारे सीज पड़ेंगे. अब जो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है वो है ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट. ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है. That lies entirely in the southern hemisphere. Australia पूरी तरीके से south hemisphere में है. It is surrounded on all sides by oceans and seas, so it is called island continent. Australia को island continent भी कहा जाता है, क्योंकि वाकई वैसे देखा जाए तो सारे ही continents island हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को खास तौर पर आइलैंड कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सबसे छोटा है. सबसे छोटा है तो वाकई आइलैंड जैसा लगता भी है. अब हमारा अगला मुद्दा है हाइड्रोस्फीयर. द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. मोर देन 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर एंड 29% विद लैंड. हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ के 71% हिस्से में पानी भरा हुआ है, और इस वजह से हमारी अर्थ ब्लू नजर आती है. और क्योंकि 71% हिस्से में पानी है तो बचे हुए हिस्से में है जमीन. हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स एज रनिंग वाटर इन ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स, आइस इन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर एंड वाटर वेपर्स इन एटमोस्फेयर ऑल कंप्राइज द हाइड्रोस्फीयर. हम जब हाइड्रोस्फीयर की बात करते हैं तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब ये नहीं कि बस समंदर हाइड्रोस्फीयर में आते हैं, ऐसा नहीं है. हाइड्रोस्फीयर यानी कि जहाँ जहाँ भी पानी है, पानी का हर फॉर्म हाइड्रोस्फीयर में आता है, वो भले ही समंदर का या झीलों का या नदियों का जो रनिंग वाटर है जो लिक्विड फॉर्म में है, या फिर ग्लेशियर्स जो हैं उनमें जो बर्फ है, इसके अलावा जो अंडरग्राउंड वाटर है जमीन के अंदर जो पानी होता है, और इसके अलावा जो वाटर वेपर्स होते हैं एटमॉस्फेयर में, ये पानी के जितने भी फॉर्म्स हैं सब के सब फॉर्म्स हाइड्रोस्फेयर में आते हैं. 97% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन ओशंस एंड इज टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज. हमारे पूरी अर्थ में जितना भी पानी है उसका 97% पानी ओशंस में है. 97%, आप खुद ये बात सोच कर देखिएगा
97% पानी ओशंस में है और ये पानी बहुत ज़्यादा नमकीन है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी है। इस वजह से समंदर के पानी का यूज़ हम इंसान इस तरीके से ऐसे ही नहीं कर सकते हैं। Large proportions of the rest of the water is in the form of ice sheets and glaciers, and a very small percentage is available as fresh water for human use. अब 97% पानी, हमारी पूरी अर्थ का 97% पानी तो समंदर में है, सॉल्टी है, इस वजह से हम यूज़ नहीं कर सकते। बचा कितना? 3% पानी, जो कि सॉल्टी नहीं है। अब इस 3% पानी का भी अच्छा खासा हिस्सा ग्लेशियर्स में है और आइस शीट्स के फॉर्म में है। पूरी दुनिया में पहाड़ों के ग्लेशियर्स हैं या फिर जो हमारे अर्थ के पोल्स में जो ग्लेशियर्स हैं, तो इस वजह से बहुत हल्का सा पानी, बहुत कम परसेंटेज पानी फ्रेश वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि नदियों में है, झरनों में है, झीलों में है, अंडरग्राउंड है, बहुत कम पानी है। हेंस डिस्पाइट बीइंग अ ब्लू प्लैनेट वी फेस अ शॉर्टेज ऑफ वाटर। इस वजह से हमारी अर्थ भले ही एक ब्लू प्लैनेट हो, भले ही हमारी अर्थ के 70% हिस्से में पानी हो, लेकिन फिर भी हमें शॉर्टेज ऑफ वाटर फेस करना पड़ता है, क्योंकि हम जो पानी यूज़ कर सकते हैं वो पानी बहुत कम है। अब हम डिस्कस करते हैं ओशंस के बारे में। ओशंस आर द मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर की अगर बात करी जाए तो ओशंस एक मेजर पार्ट हैं। दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड। इंटरकनेक्टेड यानी कि आपस में जुड़े हुए। तो आप खुद देख पा रहे होंगे कि जितने भी ओशंस हैं वो सब इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। द ओशन वाटर्स आर ऑलवेज मूविंग। अब जो समंदर का पानी है ये हमेशा मूव करते रहता है। द थ्री चीफ मूवमेंट्स ऑफ द ओशन वाटर्स आर द वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तो हमारे ओशंस में बेसिकली तीन तरीके के मूवमेंट होते हैं पानी के, जैसे कि वेव्स बनती हैं पानी में, टाइड्स बनती हैं पानी में, और ओशन करेंट्स बनते हैं। तो इन तीनों की वजह से हमारे ओशंस का पानी मूव करते रहता है। पानी एक ओशन में, अगर अंटार्कटिक ओशन का पानी है तो वो पैसिफिक ओशन में जाएगा, पैसिफिक ओशन का पानी इंडियन ओशन में आएगा। इन सारे ओशंस का पानी एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहता है। और इसके अलावा जो वाटर साइकिल है वो भी चलती रहती है, कि पानी इवेपोरेट होगा, बारिश के तौर पे बरसेगा किसी दुनिया के किसी हिस्से में, नदियों में जाएगा, वो नदियाँ फिर से समंदर में आएंगी। तो समझ रहे हैं, ये पानी का सिस्टम है, जो पानी पूरे अर्थ में ट्रेवल करता रहता है, मूविंग वाटर है। और ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी अर्थ में लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। द फोर मेजर ओशंस आर द पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, द इंडियन ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो चार मेन ओशंस हैं, मेन ओशंस, मेजर ओशंस, वो हैं पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन और आर्कटिक ओशन। अब चलिए इन ओशंस को अलग अलग डिस्कस करते हैं। तो अब फिर से हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। जो सबसे बड़ा ओशन है उसको पहले, उसके बाद थोड़े छोटे वाले को, उसके बाद फिर और छोटे वाले को। तो सबसे पहला ओशन कौन सा है? जो सबसे बड़ा ओशन है, यानी कि पैसिफिक ओशन। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट ओशन। पैसिफिक ओशन सारे ओशंस में सबसे बड़ा ओशन है। इट इज स्प्रेड ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के सरफेस को अगर आप देखें तो 1/3 सरफेस में पैसिफिक ओशन है। और इसी वजह से, मतलब पैसिफिक ओशन इतना बड़ा है कि उसे वर्ल्ड मैप में दिखाया नहीं जाता, उसे एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो आपको अंदाजा नहीं होगा कि पैसिफिक ओशन इतना बड़ा ओशन है। मैरियाना ट्रेंच द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ लाइज इन द पैसिफिक ओशन। हमारी पूरी अर्थ का जो डीपेस्ट पार्ट है, जो सबसे गहरी खाई है, वो है मैरियाना ट्रेंच, और ये है पैसिफिक ओशन में। हाँ, लेकिन एक चीज यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा, अभी तक हमें जो पता चला है उसके बिहाफ पे बात कही गई है कि हमारी अर्थ का डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच है। हो सकता है आगे चल के कोई नया पॉइंट पता चले जो इससे भी ज्यादा डीप हो। क्योंकि अब अगर समंदरों की बात करी जाए तो एक बात सच है कि हम चांद के बारे में या हमारे अर्थ से बाहर जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम ज़्यादा जानते हैं बजाय हमारी अर्थ के। हमारे अर्थ के समंदरों को हम इतना अच्छे से नहीं जान पाए हैं आज तक।
The Pacific Ocean is circular in shape. Asia, Australia, North and South America surround it. अब अगर Pacific Ocean की बात करी जाए तो Pacific Ocean basically circular shape में है. काफी हद तक ये गोल है. इसके एक तरफ एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है और दूसरी तरफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका है. तो इन सब से घिरा हुआ है पैसिफिक ओशन और सर्कुलर शेप में है ये. अब पैसिफिक ओशन के बाद जो सबसे बड़ा ओशन है वो है अटलांटिक ओशन. द अटलांटिक ओशन इज द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड. अटलांटिक ओशन दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है पैसिफिक ओशन के बाद. इट इज एस शेप्ड. अटलांटिक ओशन एस शेप का है. मैंने आपको दिखाया था वर्ल्ड मैप में कि अटलांटिक ओशन एस का शेप बनाता है. It is surrounded by the North and South America from the western side and Europe and Africa on the eastern side. अब Atlantic Ocean के एक तरफ अगर आप western side में देखो तो western side में है North और South America. और दूसरी तरफ अगर आप eastern side में देखो तो आपको मिलेगा Europe और Africa. The coastline of Atlantic Ocean is highly indented. The coastline का मतलब होता है जो समुद्री तट होते हैं और indented का मतलब होता है कोई irregular सी surface. मान लीजिए ये कोई surface है ऐसी कोई, तो इसे कहा जाएगा indented, यानी कि ये बहुत irregular सी surface है, ये indented surface है. This irregular and indented coastline provides ideal location for natural harbors and ports. अब अटलांटिक ओशन के जो समुद्री तट हैं वो ऐसे इंडेंटेड हैं. तो इस तरीके से मान लीजिए ये समंदर है, तो ये जो इंडेंटेड सर्फेसेस हैं ये बहुत खास एरिया प्रोवाइड करते हैं कि यहाँ पे पोर्ट्स बनाए जा सके, नेचुरल हार्बर्स बन सके. फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कॉमर्स इट इज द बिजिएस्ट ओशन. अब अगर कॉमर्स की नज़र से देखा जाए, कॉमर्स यानी कि बिजनेस की नज़र से देखा जाए तो ये दुनिया का बिजिएस्ट ओशन है. और ऐसा क्यों? दुनिया का बिजिएस्ट ओशन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बिजनेस की चीज़ें इस समुंदर के आसपास होती हैं. एक तरफ नॉर्थ और साउथ अमेरिका है, दूसरी तरफ अफ्रीका और यूरोप है और बाकी पूरा एशिया है. तो अटलांटिक ओशन के दोनों तरफ इधर का सामान दूसरी तरफ जाता है, दूसरी तरफ का सामान पहली तरफ आता है. तो सामान का लेन देन और बिजनेस इतना ज्यादा है कि अटलांटिक ओशन दुनिया का बिजिएस्ट ओशन है. अब अटलांटिक ओशन के बाद अगला ओशन है द इंडियन ओशन. द इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर आर कंट्री दैट इज इंडिया. इंडियन ओशन इकलौता ऐसा ओशन है जो किसी देश के नाम पे है. और ये किसके नाम पे? हमारे देश के नाम पे, इंडिया के नाम पे. द शेप ऑफ द ओशन इज ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर. इंडियन ओशन का शेप ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है. In the north it is bound by Asia, in the west by Africa and in the east by Australia. Indian Ocean की बात करी जाए तो Indian Ocean के north में Asia है, west की तरफ Africa है और east की तरफ Australia है. ये तीनों continents Indian Ocean को surround करते हैं और Indian Ocean triangular shape का है. अब हमारा आखिरी ocean है Arctic Ocean. The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounds the North Pole. आर्कटिक ओशन जो है ये सराउंड करता है आर्कटिक सर्किल को. आर्कटिक सर्किल के अंडर जितना भी वाटर है वो सब आर्कटिक ओशन में आता है. और आर्कटिक ओशन सराउंड करता है किसे? नॉर्थ पोल को. इट इज कनेक्टेड विद द पैसिफिक ओशन बाय अ वेरी नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बियरिंग स्ट्रेट. शैलो का मतलब होता है बहुत ज़्यादा छिछला. तो शैलो वाटर जब कहा जाता है तो शैलो वाटर यानी कि पानी है लेकिन बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है. और नैरो का मतलब बहुत पतला सा, पतली सी कोई स्ट्रिप. तो अब आर्कटिक ओशन कनेक्ट करता है पैसिफिक ओशन से. कैसे? एक बहुत पतली सी स्ट्रिप है शैलो वाटर की जिसे कहा जाता है बियरिंग स्ट्रेट. पानी की एक पतली सी स्ट्रिप है जिसके दोनों तरफ ज़मीन है. वो पतली सी पानी की स्ट्रिप पैसिफिक ओशन को जोड़ती है आर्कटिक ओशन से. इट इज बाउंड बाय नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया. अब अगर आप आर्कटिक ओशन की बात करें तो आर्कटिक ओशन घिरा हुआ किससे है? नॉर्दर्न कोस्ट, जो नॉर्थ की डायरेक्शन के जो समुद्री तट हैं नॉर्थ अमेरिका के,
और इसके अलावा यूरेशिया की, यूरेशिया यानी कि यूरोप प्लस एशिया। तो जो नॉर्थ कोस्ट है, नॉर्थ अमेरिका का भी और एशिया का भी और यूरोप का भी, इन तीनों कॉन्टिनेंट्स के नॉर्थ कोस्ट से एनक्लोज्ड है आर्कटिक ओशन। अब हमारा अगला मुद्दा है एटमॉस्फेयर। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी अर्थ सराउंडेड है एक गैस की लेयर से जिसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। This thin blanket of air is an integral and important aspect of the planet. अब ये जो पतली सी लेयर है एटमॉस्फेयर की, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे प्लैनेट का। इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सन्स रेज। ये जो एटमॉस्फेयर है, ये एटमॉस्फेयर हमें हवा देता है जिससे हम सांस ले पाते हैं, और इसके अलावा हमारे सन से जो हार्मफुल इफेक्ट्स जो आते हैं, जो हार्मफुल रेज आती हैं, उनको ये एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें प्रोटेक्ट करता है। The atmosphere extends up to a height of about 1600 kilometers. हमारे अर्थ के सरफेस से 1600 kilometers तक ये लेयर चलती है एटमॉस्फेयर की। तो 1600 kilometers वैसे तो देखने में लगता है कि बहुत बड़ा डिस्टेंस है, लेकिन हमारी नज़र में अगर आप बड़े लेवल की नज़र से देखो तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा डिस्टेंस नहीं, ये अर्थ की पतली सी लेयर ही कही जाएगी। एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स बेस्ड ऑन कंपोजिशन, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज। अब अगर एटमॉस्फेयर की बात करी जाए तो एटमॉस्फेयर में बेसिकली 5 लेयर्स हैं, और ये 5 लेयर्स किस लिहाज से बनाई गई हैं, अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, कि वो लेयर किस चीज़ से बनी है, कौन सी गैसेस से बनी है, उन लेयर्स का टेम्परेचर क्या क्या है एंड अदर प्रॉपर्टीज, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं। तो ऐसे तमाम पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए एटमॉस्फेयर को डिवाइड किया गया है बेसिकली 5 लेयर्स में। देयर प्लेस स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस आर, अब हमारे अर्थ के सरफेस से अगर स्टार्ट किया जाए तो एक एक लेयर के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहली लेयर है ट्रोपोस्फेयर, जो सबसे पहली लेयर, हम ट्रोपोस्फेयर में हैं, ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा हवा होती है। ट्रोपोस्फेयर के बाद जो अगली लेयर आती है वो है स्ट्रैटोस्फेयर। स्ट्रैटोस्फेयर के बाद जो अगली लेयर आती है वो है मीजोस्फेयर। जो एरोप्लेन्स होते हैं वो बेसिकली स्ट्रैटोस्फेयर में उड़ते हैं, और मीजोस्फेयर के बाद ये जो अगली लेयर है थर्मोस्फेयर, जो रेडियो कम्युनिकेशंस वगैरह होते हैं वो इन लेयर्स में होते हैं, थर्मोस्फेयर, मीजोस्फेयर। और इसके बाद जो लास्ट लेयर है वो है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर के बाद फिर कह लीजिए कि स्पेस शुरू हो जाता है। तो ये बेसिकली 5 लेयर्स हैं हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की। द एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड मेनली ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हिच मेक अप अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। अब अगर एटमॉस्फेयर की बात करी जाए तो एटमॉस्फेयर मेनली खास तौर पे बना है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से, इन दोनों गैसेस से, और ये दोनों गैसेस एक जो कहा जाता है ना साफ क्लीन हवा, तो उस साफ हवा का 99% पोर्शन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का होता है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% एंड अदर गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर कंप्राइजेस 1% बाय वॉल्यूम। अब अगर बात करी जाए क्लीन ड्राई एयर की, कि जो साफ हवा होती है, तो उस साफ हवा में कौन कौन सी गैसेस होती हैं, तो सबसे पहले होती है नाइट्रोजन, जो कि होती है 78% हवा में सबसे ज़्यादा होती है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद होती है ऑक्सीजन, जो कि करीब करीब 21% होती है। अब 78% 21% मिला के हुआ 99%, और जो 1% हिस्सा है, उस 1% हिस्से में कई सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड जिसको CO2 भी कहते हैं, आर्गन, और इसके अलावा और भी कई सारी गैसेस, और ये तमाम तरह की गैसेस 1% वॉल्यूम बनाती हैं हवा का। ऑक्सीजन इज द ब्रेथ ऑफ लाइफ व्हाइल नाइट्रोजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब ऑक्सीजन को माना जाता है ब्रेथ ऑफ लाइफ, ब्रेथ यानी कि सांस। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रहने के लिए सांस लेनी पड़ती है, और वो यूज करता है ऑक्सीजन का, इस वजह से ऑक्सीजन को कहा जाता है ब्रेथ ऑफ लाइफ। और जबकि नाइट्रोजन ये जरूरी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए।
Carbon dioxide, although present in a minute amount, is important as it absorbs heat radiated by the earth. अब हमारी earth में सूरज की रोशनी जब पड़ती है तो काफ़ी सारा जो इसका हिस्सा होता है वो रेडिएट कर देती है हमारी अर्थ. तो अब इस रेडिएटेड हीट को कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है. जो CO2 हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में है वो बहुत माइन्यूट अमाउंट में होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि 99% तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होता है. 1% हिस्से का भी एक छोटा सा हिस्सा होता है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड. तो इतना कम अमाउंट होता है लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इस रेडिएटेड हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, देयर बाय कीपिंग द प्लैनेट वार्म, और इस वजह से हमारे प्लैनेट में थोड़ी गर्मी बनी रहती है. इट इज़ ऑल्सो असेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए भी ज़रूरी है कि पेड़ पौधे बढ़ सकें. द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफेयर वैरीज विद हाइट. अब एटमोसफेयर की जो डेंसिटी है, अब इसका क्या मतलब हुआ कि एटमोसफेयर की डेंसिटी, तो डेंसिटी को हिंदी में कहेंगे कोई चीज़ कितनी घनी है. तो डेंसिटी ऑफ एटमोसफेयर को आप इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं कि मान लीजिए मैं कोई डब्बा लूँ, इस डब्बे में कितनी हवा है, इसे कहा जाएगा डेंसिटी. अगर मैं समंदर के पास हूँ, समंदर के पास एक डब्बा लूँ, तो उस डब्बे में हवा जितनी होगी, मैं जैसे जैसे उस डब्बे को लेके हाइट पे जाता जाऊंगा, उस डब्बे में हवा कम होती जाएगी. आप इसे इस चीज़ से समझिएगा. और जब मैं मान लीजिए उसी डब्बे को किसी पहाड़ के ऊपर ले जाऊं, तो अब उस डब्बे में, डब्बा उतना ही बड़ा है लेकिन उस डब्बे में अब जो हवा है वो हवा कम हो जाएगी, कम होती रहेगी. जितनी हाइट पर ले जाता रहूँगा वो हवा कम होती जाएगी. तो सी लेवल पर डेंसिटी जो होती है हवा की सबसे ज़्यादा होती है. उतने ही बड़े डब्बे में ज़्यादा से ज़्यादा हवा भर सकती है सी लेवल पे, और जबकि पहाड़ में उतने ही बड़े डब्बे में कम हवा आएगी. तो इस तरीके से आप याद रखिए, डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर वैरीज विद हाइट. वैरीज मतलब चेंज होना, वैरी किसी चीज़ के अकॉर्डिंग वैरी करना. तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी डेंसिटी कम होती चली जाएगी एटमॉस्फेयर की. इट इज़ मैक्सिमम एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेज रैपिडली एज वी गो अप. ये मैक्सिमम होती है सी लेवल में, और जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये बहुत तेज़ी से डिक्रीज होती है, बहुत तेज़ी से कम होती है डेंसिटी. क्लाइंबर्स एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन ब्रीदिंग ड्यू टू दिस डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ एयर. अब क्लाइंबर्स का मतलब होता है वो लोग जो पहाड़ों में चढ़ाई करते हैं. अब वो लोग जो पहाड़ों में चढ़ाई करते हैं, इतनी ऊंचाई पे जाते हैं, तो पहाड़ों में हवा की डेंसिटी कम होती है, तो वो जब सांस लेते हैं तो उनके लंग्स तो उतने बड़े हैं, तो वो जब पूरी सांस लेते हैं तो सांस पूरी आती है लेकिन हवा नहीं मिलती उनको. उनको ऐसा लगता है कि पूरी सांस अभी आई नहीं है, उतनी हवा इनको मिली नहीं है. इस वजह से वो क्लाइंबर्स जब इतनी ऊँचाई में जाते हैं तो वो अपने साथ क्या कैरी करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, जिससे कि वो इतनी ऊंचाई वाली जगहों में सांस ले सकें. द टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेज एज वी गो अपवर्ड्स. और जैसे जैसे हम ऊंचाई में जाते हैं हवा भी कम होती जाती है और टेम्परेचर भी कम होता जाता है. आपने खुद देखा होगा पहाड़ी जगहों में ज़्यादा सर्दी पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर कम होता चला जाता है हाइट के साथ. द एटमोसफेयर एग्जर्ट्स प्रेशर ऑन द अर्थ. दिस वैरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. अब हमारी अर्थ के चारों तरफ एक जो लेयर है एटमॉस्फेयर की, एटमॉस्फेयर यानी कि हवा, हवा का भार होता है और एटमॉस्फेयर 1600 किलोमीटर तक है, तो उसका अच्छा खासा भार पड़ता है हमारी अर्थ के अलग अलग हिस्सों में, और ये वैरी करता है जगह जगह के अकॉर्डिंग वैरी करता है. सम एरियाज एक्सपीरियंस हाई प्रेशर एंड सम एरियाज लो प्रेशर. और किस तरीके से क्लाइमेट है किसी जगह का, किस जगह में किस तरीके से हवा चल रही है, बहुत तमाम फैक्टर्स होते हैं, और इन तमाम फैक्टर्स की वजह से होता क्या है, कुछ जगहों में हाई प्रेशर बनता है और कुछ जगहों में लो प्रेशर बनता है. एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर. मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड. अब एक नेचर का ये लॉ है कि हाई प्रेशर जोन बनेगा और लो प्रेशर जोन बनेगा, और हवा जो है वो हाई प्रेशर जोन से जाएगी लो प्रेशर जोन की तरफ. और जब हवा एक जगह से दूसरी जगह जाती है तेज़ी से, इसे कहा जाता है विंड.
तो इसी वजह से हवा इधर से उधर बहती रहती है, क्योंकि अलग अलग जगह हाई प्रेशर जोन्स और लो प्रेशर जोन्स बनते रहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लैंड वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर वो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट है। जोन ऑफ कॉन्टैक्ट यानी कि वो जगह जहाँ पे जमीन, पानी और हवा ये तीनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं। इट इज हेयर दैट लाइफ एग्जिस्ट। और बायोस्फीयर जब ये तीनों चीजें एक साथ कॉन्टैक्ट में आती हैं तब लाइफ एग्जिस्ट कर पाती है। There are several species of organisms that vary in size from microbes and bacteria to huge mammals. हमारी अर्थ में अब तमाम तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं। एक तरफ देखा जाए तो माइक्रोब्स भी हैं। माइक्रोब्स यानी कि जो छोटे छोटे कीटाणु होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, और इसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं, मतलब समझ रहे हैं, इतने छोटे लेवल से कि आपको अपनी आंखों से दिखेंगे भी नहीं। माइक्रोब्स एंड बैक्टीरिया आपको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। तो एक तरफ ऐसे माइक्रोब्स भी हैं और दूसरी तरफ ह्यूज मैमल्स हैं, बड़े बड़े ऐसे जानवर भी हैं। तमाम तरह के लाइफ फॉर्म्स हैं हमारे अर्थ में। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर लिंक्ड टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। अब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम इंसानों को इंक्लूड करते हुए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सब एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं जीने के लिए, जिंदगी के लिए, और इस बायोस्फीयर में भी डिपेंड करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हम सब जो खाना खाते हैं, हम सब जो सांस लेते हैं, हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। द ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। अब बायोस्फीयर में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है प्लांट किंगडम यानी कि जो पेड़ पौधे हैं, और इसके अलावा एनिमल किंगडम यानी कि जो जानवर हैं। द थ्री डोमेन्स ऑफ अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। अब जो तीनों डोमेन्स ऑफ अर्थ हैं, लैंड, वाटर और एयर, ये तीनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं और तीनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं किसी न किसी वे में। फॉर एग्जाम्पल, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और क्लियरिंग लैंड फॉर एग्रीकल्चर लीड टू फास्ट रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम स्लोप्स। अब इस चीज़ का एक एग्जाम्पल देखते हैं। अगर पेड़ों की कटाई होती है, पेड़ कहीं से काटे जाते हैं या फिर ज़मीन क्लियर कराई जाती है कि वहाँ एग्रीकल्चर किया जा सके, तो अब जब पेड़ काट दिए जाएंगे ज़मीन लूज़ हो जाएगी, तो अब जब पानी बरसेगा तो मिट्टी को बहा ले जाएगा। तो इस तरीके से जब हम एक आस्पेक्ट में हम कुछ चेंज करते हैं तो वो तमाम आस्पेक्ट्स में चेंज लाता है। अर्थ सरफेस मे बी चेंज्ड ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज लाइक अर्थक्वेक्स। अब नेचुरल कैलामिटीज यानी कि प्राकृतिक आपदाएं जो होती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक, तो जब ऐसी कैलमिटीज आती हैं, जैसे कि अर्थक्वेक आते हैं, तो अर्थ के स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं। अब जैसे कि पहाड़ों में अर्थक्वेक आता है तो पहाड़ों में लैंडस्लाइड होता है, तो अर्थ का सरफेस वहाँ चेंज हो जाता है। और इसी तरीके से जब अर्थक्वेक आता है समंदर के नीचे, तो समंदर के नीचे अर्थक्वेक आने की वजह से बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं जो आसपास के अच्छे खासे बड़े एरिया को डैमेज करती हैं, और उनकी वजह से कई बार क्या होता है, सबमर्जेंस ऑफ लैंड एज हैपेंड इन द केस ऑफ सुनामी रिसेंटली। अब सुनामी जब आते हैं तो सबमर्जेंस ऑफ लैंड होता है, यानी कि ज़मीन कई जगह पर डूब जाती है, पानी में समा जाती है। जैसे कि अभी हाल के कुछ साल पहले जब सुनामी आया था तो ये सब चीज़ें देखी गई थी। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटीरियल इनटू लेक्स एंड रिवर्स मेक्स द वाटर अनसूटेबल फॉर ह्यूमन यूज़। अब हम सब लोग क्या करते हैं कि जितना भी इंडस्ट्रीज़ का गंदा पानी होता है और जो डोमेस्टिक यूज़ करने के बाद जितना भी गंदा पानी होता है उसे हम डिस्चार्ज कर देते हैं वाटर बॉडीज़ में, जो कि नियरेस्ट नदियों में या फिर, और नदियों का पानी फिर एट द एंड जाता है समंदरों में। तो उन सब तमाम चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो भी पानी होता है वो अनसूटेबल हो जाता है कि वो इंसानों के यूज़ करने लायक नहीं बचता है। और इसके अलावा इट ऑल्सो डैमेजेस अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अब पानी सिर्फ हमारा नहीं है, पानी सब लाइफ फॉर्म्स का है। तो पानी में तमाम तरह के लाइफ फॉर्म्स होते हैं, तो जो गंदगी हम डालते हैं पानी में उसकी वजह से बाकी लाइफ फॉर्म्स को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। एमिशंस फ्रॉम इंडस्ट्रीज, थर्मल पावर प्लांट्स एंड व्हीकल्स पल्यूट द एयर। अब जो एमिशंस होते हैं
जो इंडस्ट्रीज से जो धुआं निकलता है, थर्मल पावर प्लांट से जो धुआं निकलता है और व्हीकल से जो धुआं निकलता है, उससे ये हवा पॉल्यूट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2 लीड्स टू इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर्स। दिस इज टर्म्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। अब कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हमने ये जाना था कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ से जो हीट रेडिएट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, तो हमारी अर्थ में गर्मी बनी रहती है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है, अब इन एमिशंस की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है एटमॉस्फेयर में, और जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो क्या करती है, ज़्यादा गर्मी एब्जॉर्ब कर लेती है, और इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्लोबल टेम्परेचर्स हैं, जो पूरी दुनिया के टेम्परेचर्स हैं, ये बढ़ने लग जाते हैं। और इस चीज़ को टर्म दिया गया है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पूरी दुनिया धीमे धीमे से गर्म होने लगती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी एब्जॉर्ब करते रहती है। Thus, a need to limit the use of resources of the earth and to maintain the balance of nature between lithosphere, atmosphere and hydrosphere is necessary. इस वजह से आज के वक्त में ज़रूरत क्या है, need to limit the use of resources, सबसे पहले तो जो resources हम use कर रहे हैं उनको थोड़ा सा limit किया जाए, खासतौर पे जो renewable resources हैं उन पे focus किया जाए, rather than की non-renewable resources जो हैं, जो petrol, diesel, ये सब तमाम चीज़ें बंद होनी चाहिए। और इसके अलावा balance बनाना चाहिए नेचर के जो तीनों forms हैं, चाहे वो लिथोस्फेयर हो, atmosphere हो या hydrosphere हो, इन तीनों के बीच में balance बनाना चाहिए, तब हमारी अर्थ सही तरीके से काम करती रहेगी। तो ये था क्लास 6th ज्योग्राफी का 5th चैप्टर। चलिए फिर, थैंक यू।